गाजीपुर के नगर पालिका परिषद और बेसिक शिक्षा विभाग के साथ जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई। दरअसल यहां कनूरपुर मोहल्ले में नगर पालिका ने स्कूल से 3 फीट ऊपर सड़क तो बनवा दी, स्कूल पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। ऐसे में आलम यह है कि सामुदायिक शौचालय और पूरे गांव का गंदा पानी प्राथमिक विद्यालय परिसर में भर जाता है, जिसकी वजह से छात्र आए दिन बीमारियों से जूझते हैं। मौजूदा समय में इस स्कूल में करीब 80 बच्चों का दाखिला है, लेकिन पढ़ने के लिए सिर्फ 10 से 15 बच्चे ही स्कूल आते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि नगर पालिका प्रशासन और बेसिक शिक्षा विभाग से मामले की कई बार शिकायत की गई है, लेकिन कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई। मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि नगर पालिका के अधिकारियों को सूचना दे दी गई, मामले पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। पानी जमीन के नीचे से रिसके आ रहा है और कहां से आ रहा है मोहल्ला में पता नहीं चल रहा, क्योंकि हमारा विद्यालय सड़क से 3 फुट नीचा हो गया विगत 3-4 सालों के अंदर। नगर पालिका ने नई सड़क बना दी है और नई सड़क बनाने के बाद विद्यालय का ध्यान नहीं दिया और सड़क का नींव नीचा हो गया सर। अब जमीन के नीचे से पानी, मोहल्ला का पानी, लोगों के घरों का पानी नीचे से अपने आप रिसके आ रहा है, स्कूल के बीच में नाली कहीं नहीं है। उसके लिए प्रयासरत किया जा रहा है कि विद्यालय सही हो जाए और कोई भी गंदा पानी उस विद्यालय में ना आए, और इसके लिए मैंने जो है कि नगर पालिका से भी बातचीत किया है और वहाँ पर ये हुआ कि पहले वहाँ मिट्टी, मैंने खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि विद्यालय के कैंपस में कि मिट्टी की भराई हो जाए ताकि वहाँ पर पानी ना आने पाए।